नमस्ते, अश्विनीज फूड लैब में आपका स्वागत है। आपके घर में दावत हो या रोज सादे चावल से आप उब गए हो, तो रोज के खाने को इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है जीरा राइस। जीरा राइस टेस्ट में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में भी आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए हमें लगेगा बासमती राइस 2 कप। इसे हमें धोकर आधा घंटा भिगो के रखना है। घी 1/4 कप, जीरा 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, पानी 3 कप। सबसे पहले 3 कप पानी उबाल लें। एक कढ़ाई या पैन में घी गरम करें। घी थोड़ा ही गरम करें, ज़्यादा गरम करने से जीरा जल सकता है। अब इसमें 2 टीस्पून जीरा डालें। बासमती चावल का पानी निकालकर कढ़ाई में डालें। इसे पूरी तरह मिला लें। आप इसकी जगह उबला हुआ चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जीरा का स्वाद कम आता है। अब हम इसमें उबला हुआ पानी डालेंगे। इसके बाद 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक डालें और राइस को उबलने दें। जब ये उबलने लगे तो इसे ढककर 2 से 4 मिनट पकने दें। चावल 80% पक जाए तो उसे ढककर निकालकर तब तक पकाएं जब तक पूरा पानी उड़ न जाए। चावल का दाना न टूटे इसलिए हम फोर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद गैस बंद कर चावल को ऐसे ही खुला रख दें। इससे हमारा चावल सूख कर मस्त खिला खिला हो जाएगा। और लीजिए, हमारा बढ़िया खुशबूदार जीरा राइस तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।